ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। यस सर। प्राइवेटाइजेशन अब है, निजीकरण, ठीक है। अभी था उदारीकरण, मोर चांसेस टू प्राइवेट सेक्टर टू ऑपरेट एंड ओन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगों को या निजी क्षेत्र के लोगों को सरकारी उपक्रमों के स्वामी बनने या उनको चलाने के लिए ज़्यादा अवसर देती है, मतलब निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाती है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। सरकार गवर्नमेंट के जो भी उपक्रम है, जो भी सार्वजनिक उपक्रम है, उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपने शेयर को कम करती है, अपने अभ्यंश जो है, अभ्यंश नहीं, जो अपने अंशधारिता है वो कम करके निजी क्षेत्र की अंशधारिता को बढ़ाती है, उनको मौका देती है, उनको भेजती है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स ओनरशिप और मैनेजमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। सरकार धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। सरकार धीरे धीरे जो भी सार्वजनिक उपक्रम है उनसे अपने स्वामित्व और प्रबंध के अधिकार कम करती है। अब इसको करने के लिए क्या करेगी, इसके दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज टू रिड्यूस द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट, ओवरराइड्स सेल ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। पहला है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र के साहसियों को बेच दिया जाए। दूसरा, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड इंटरप्राइजेस, द इंटरप्राइजेस जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा तरीका ये है कि सरकार संयुक्त उपक्रमों से धीरे धीरे अपने संयुक्त उपक्रमों से जो भी उसके अधिकार हैं, जो भी उसका स्वामित्व है या प्रबंध से संबंधित अधिकार है, उनको खत्म कर दें। संयुक्त क्षेत्र का मतलब जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके बनाए हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट की पूंजी भी लगी है और निजी क्षेत्र की भी पूंजी लगी है, तो इससे सरकारी जो धन है वो बचेगा, मतलब सरकारी है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीका है जिससे हम निजीकरण को बढ़ावा देते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द राइट्स ऑफ शेयर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स टू द प्राइवेट सेक्टर। जब सरकार सार्वजनिक उपक्रम से अपने अंशधारिता को बेचती है तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट को हम डिस कर दें, इन्वेस्टमेंट का अपोजिट हुआ, जो भी इन्वेस्टमेंट था हमारा उसको कम कर दें। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश कम करना है। निवेश कम करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ हमने निवेश किया है वहाँ वहाँ से पैसा निकाल लें, ठीक है। सो द गवर्नमेंट रिमूव्स इट्स मनी इट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। जो भी सार्वजनिक उपक्रम है वहाँ से सरकार अपना निवेश हटा देती है। हिंदी में इसको बोलते हैं विनिवेश, विनिवेश, ये भी निवेश का हो गया उल्टा, मतलब जो भी हम निवेश किए हैं उसको हटा दें, ठीक है।
सारा निवेश जो भी हमारा है वो सब कम कर दें, तो हो जाता है विनिवेश। तो अब इसको करने का क्या तरीका है? इट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर शेयर कैपिटल ऑफ पीएसयू टू द प्राइवेट सेक्टर। ये तब होगा जब सरकार सरकारी क्षेत्र से अपने अंशों को हटा के निजी क्षेत्र को बेच दे। तो इसके पक्ष में क्या आर्गुमेंट दिए जाते हैं? क्या आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज द सेम एज इन द केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण के बारे में जो हमने आर्गुमेंट पढ़े हैं वही सारी बातें इस पे भी लागू होती हैं। मीन्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए, कुशलता को बढ़ावा देने के लिए, कम्पिटिटिवनेस लाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, विनिवेश किया जाता है। इट इज टेकन एज ए रिमेडियल मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी एज वेल एज टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। तो ये किस लिए किया जाता है? ये एक उपचार के रूप में किया जाता है जिसके जरिए सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन और प्रबंध व्यवस्था से संबंधित कुशलता बढ़े और साथ में आधुनिकता है, मतलब जो उनके उत्पाद हैं वो भी आधुनिक बने। अब नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो हमने पहले पढ़ा था 1956 की पॉलिसी, ठीक है। इन द प्रीवियस इंडस्ट्रियल पॉलिसी वी हैव सीन दैट द गवर्नमेंट सेक्टर वॉज गिवेन मोर लायबिलिटी टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। देश में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र को ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। वी हैव सीन इट इन द सेकेंड फाइव ईयर प्लान। सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड इन 1956 to 1961। दिस वॉज द पीरियड ऑफ सेकेंड फाइव ईयर प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था 1956 से 1961। तो उसी टाइम पे ये पॉलिसी जो शुरू हुई थी, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। दूसरा फाइव ईयर प्लान भी दूसरा था, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय औद्योगिक नीति लागू हुई, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। तो 1956 में लागू हुई, तो इसमें क्या हुआ? इट हैज क्लियरली कैटेगराइज द इंडस्ट्रीज इन विच ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कैन बी इस्टेब्लिश। ऐसे क्षेत्रों के बारे में, ऐसे उद्योगों के बारे में इसने साफ साफ वर्ग बना दिया, वर्गीकरण किया, जिन पे केवल सरकारी क्षेत्र ही धन लगा सकता था या सार्वजनिक उपक्रम ही लगाए जा सकते थे। जो कोर इंडस्ट्रीज थी, कोर इंडस्ट्रीज वर टू बी इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। सरकारी क्षेत्र के द्वारा कोर या बेसिक इंडस्ट्रीज को लगाना था, सरकार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, मतलब सरकार ने इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी ताकि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड, ग्रोथ भी बढ़ाया जा सके, विकास को बढ़ाया जा सके। एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी वी हैव सीन देयर वॉज मच चेंज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। देयर हैव बीन डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। नाउ वी कैन प्रोड्यूस मेनी थिंग्स, आवर इंडस्ट्रीज हैव स्प्रेड लार्जली। हमारे जो इंडस्ट्रीज थी वो तेजी से बढ़ी, बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, कई तरह के मतलब उद्योगों में विभिन्नता भी आई, मतलब बहुत तरह के प्रोडक्ट्स अब हम प्रोड्यूस करने लगे हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज मेनी पीपल गेट जॉब्स इन द कंट्री। मेनी पीपल हु वर एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के पहले ज़्यादातर लोग कहाँ पे लगे थे? प्राथमिक क्षेत्र में वर्क कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। 70% के लोग, लगभग लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो
तो अब क्या हुआ, उनको दूसरे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं औद्योगिक क्षेत्र में। एंड देयर आर सम इंडस्ट्रीज विच आर आज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो बहुत बढ़िया वर्क कर रही हैं और बहुत ज़्यादा उनकी इनकम हो रही है, ठीक है। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए और इनको मतलब प्रलोभन देने के लिए सरकार ने नव रत्न वाला सिस्टम एक बनाया है। मीन्स द इंडस्ट्रीज विच आर डूइंग वेरी गुड वर्क आर गिवेन नवरत्न स्टेटस। नवरत्न का स्टेटस दिया जा रहा है। नवरत्न का मतलब नौ तरह के रत्न, नौ तरह के ज्वेल्स जो किंग विक्रमादित्य वाले स्टोरी में हमने पढ़े हैं। द किंग विक्रमादित्य है नाइन कोर्टियर्स, उसके पास नौ ऐसे दरबारी थे हु वर एक्सेल इन देयर वर्क। उस नौ लोग ऐसे थे जो अपने कार्य में बहुत अच्छे थे, जो किंग विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य की दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। वैसे ही सरकार के जो दरबार का मतलब सरकार के जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी शोभा बढ़ाने वाले जो टॉप के नौ इंडस्ट्रीज थे उनको नवरत्न का दर्जा दिया गया। ये क्यों दिया गया? ताकि उनको क्रेडिट किया जा सके। ऑल अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी इंड्यूस्ड उनको प्रेरित किया जा सके, सो दैट दे मे डू बेटर वर्क, दे मे इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, दे मे मॉडर्नाइज, वे अपने एफिशिएंसी को बढ़ावा दे सके, मॉडर्नाइज हो सके, आधुनिक हो सके, इसलिए ये सब दिए गए हैं। अब इसके बाद जब देखा गया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अच्छा करने लगी, मेनी इंडस्ट्रीज कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर द स्टेटस ऑफ नवरत्न, देन द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सम न्यू कैटेगरी मिनी रत्न एंड महारत्न। जब सरकार ने देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे देश में अच्छा करने लगी हैं जो मिनी रत्न मतलब नवरत्न की स्टेटस को पूरा करती हैं, मीन्स जो भी उनके लिए हमने बनाया कि ईयरली कितना इनकम होनी चाहिए या कितना टर्नओवर होना चाहिए नवरत्न की कैटेगरी, जो भी उनके लिए कंडीशन रखी, वो सारी कंडीशन पूरा करने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गए। तो मिनी रत्न और महारत्न ये दो नई कैटेगरी बना दी गई। बट आफ्टर सम टाइम वी हैव सीन दैट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टर्न इनटू सोशल लायबिलिटी और सोशल डेड वेट। कुछ टाइम बाद हमने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, वो सामाजिक भार बन गए हैं। बिकॉज दे बिकम इनएफिशियंट इन देयर वर्क, वे अपने कार्य में इनएफिशियंट हो गए हैं मतलब अकुशल हो गए हैं। दे बिकम ब्रीडिंग सेंटर ऑफ इनएफिशियंसी बिकॉज देयर वॉज नो एनी इंड्यूसमेंट फॉर वर्क, कार्य करने के लिए कोई प्रेरणा वहाँ पर नहीं थी। देयर वर नो एनी इंडिविजुअल बेनिफिट फॉर द पर्सन हु आर डूइंग बेटर वर्क बेटर जॉब, जो लोग ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे थे उनके लिए कोई भी प्रलोभन नहीं था, कोई भी प्रेरणा नहीं थी, उनको कुछ एक्स्ट्रा मनी नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ, लीकेज, फिल प्रेस, इनफिशियंसी एंड करप्शन हैड बिकम ए रैम्पेंट, सो रैम्पेंट इन द पी एस यू दैट दियर प्राइवेटाइजेशन वॉज कंसिडर्ड एज द ओनली रिमेडी। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया, लीकेज हो गया, लीकेज का मतलब वहाँ का जो धन था, मटेरियल था, वो दूसरी जगह जाने लगा, छिपा के मतलब उसको दूसरे लोग यूज करते थे, यानी करप्शन बढ़ गया। तब सरकार को लगा कि अब केवल एक ही रास्ता है इनको इम्प्रूव करने का। अब पुराने टाइम में जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स जो था जो थी बहुत आसानी से मिल जाती थी 1990 के पहले, जो कोई भी जो पर्सन है जो थोड़ा बहुत योग्य है वो जॉब पा जाता था। अब वो ज़्यादा मतलब आज के टाइम का जैसे कंपटीशन नहीं था, आज जिसको जॉब चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पुराने टाइम में ऐसा ही था, बहुत से लोग जो है वर्क नहीं करते थे, एक आदमी का काम होता था, तीन तीन आदमी लेते थे आसानी से।
ऐसा सेक्टर में देते हैं। तो इन 1991 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेल ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सरकार ने डिसाइड किया कि अपनी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो भी अंशधारिता है उसको कम कर दें, अपनी इक्विटी जो है वो कम कर दें। बट देयर वॉज ए ह्यूज ह्यूज प्रोटेस्ट फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द एम्प्लॉयज, फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज, सो द गवर्नमेंट कैन नॉट सेल देम इमिडिएटली। सरकार उनको तुरंत नहीं बेच सकती थी क्योंकि वहाँ पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनका बहुत विरोध था, उनकी जॉब जाने का डर था, तो उसको धीरे धीरे सेल किया गया। ठीक है, और इस विरोध के कारण सरकार ने ये सोचा कि इनको थोड़ा प्रलोभन दिया जाए, इनको इंड्यूसमेंट दिया जाए तो इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस, इम्प्रूव दियर इफिशियंसी। द गवर्नमेंट थॉट दैट दे शुड बी गिवन सम इंड्यूसमेंट, सो द गवर्नमेंट स्टार्टेड द कैटेगरी ऑफ नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न। जब सरकार ने सोचा इनको प्रलोभन दिया जाए जिससे अपना अच्छा करें, कुशलता में वृद्धि करें, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं, तो सरकार ने फिर प्रलोभन देने के लिए नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न की उपाधियां देना शुरू की। सो मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इम्प्रूव दियर एफिशिएंसी, दियर परफॉर्मेंस। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने क्या किया, अपने परफॉर्मेंस अच्छा करना शुरू कर दिया, अपना जो कार्य था, कुशलता थी, वो बढ़िया करना शुरू कर दिया, पहले से बेटर करना शुरू कर दिया। तो ये सब शुरू हुआ, मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी इसके बाद से वो थोड़ा अच्छी होने लगी, उनमें क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, उनकी क्वालिटी चेंज हुई, उनका चेंज हुआ। अभी किसी को कुछ पूछना है अभी तक के बारे में? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं अभी जल्दी से। मुस्कान, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब ये महारत्न, मिनी रत्न वगैरह क्या होते हैं? ठीक है, नवरत्न क्या है पहली चीज? तो देखो, नवरत्न रिफर्स टू नाइन ज्वेल्स, नाइन सच प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज विच आर कंपेयर्ड विद द नाइन कोर्टियर्स ऑफ द किंग विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य के नौ दरबारियों से जिनकी तुलना की जा सके, ऐसे नौ जो रत्न है, मतलब नौ सार्वजनिक उपक्रम जिनका प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा है, उनको राजा विक्रमादित्य के नौ दरबारियों के साथ उनकी तुलना की जाती है। ये जो नौ दरबार थे क्या थे, ये बहुत मतलब अपने वर्क में बहुत अच्छे थे। देवर मेन ऑफ इमिनेंस एंड रेयर विजडम, उनका जो बुद्धि थी वो बहुत ज्यादा थे और बहुत प्रसिद्ध लोग थे। तो अब जो गवर्नमेंट ने नाइन इंडस्ट्रीज को पब्लिक नवरत्न बनाया है वो है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सारी नौ कंपनियां हो गई। अब इस कैटेगरी में जो आते हैं उनको कुछ फ्रीडम दी जाती है। फ्रीडम मतलब नाउ दीज कंपनीज कैन टेक सम मोर डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अगर कोई नई इनको शाखा बनानी है, नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन सब कंपनियों को कुछ सरकार जो है लिबर्टी दे देती है। अब जब नवरत्न की कैटेगरी में बहुत सारे आने लगे,
तो क्या हुआ, मिनी रत्न और महारत्न आ गए, ठीक है। ये सब है कि ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का यहाँ पे नाम नहीं आया, ये है सबसे लास्ट में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को सरकार बेचना चाह रही है, अब इसके बेच देगी सरकार, बताओ, जो कंपनी प्रॉफिट में है उसको बेच दे रही है, जो नवरत्न का दर्जा पाई है उसको कम बेच रही है सरकार। अब महारत्न इन 2009 द गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड अकॉर्डिंग महारत्न स्टेटस, अब सरकार ने महारत्न का स्टेटस देना शुरू कर दिया। तो अब इसमें कौन कौन सी है इंडस्ट्रीज है, महारत्न मतलब अब रत्न से भी ऊपर हो गए, नवरत्न से भी ऊपर हो गए। कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, तो ये सब हो गए हैं महारत्न। और मिनी रत्न जो हैं, जो उससे छोटे हैं, जो 75 प्रेजेंट टाइम में 75 दे आर 75 PSU विच आर हैविंग स्टेटस ऑफ मिनी रत्न, स्टेटस पर 75 हैं, सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। तो अब ये क्या हुआ, इन सब में क्या है, इन सब में प्रॉफिट अच्छा है, इनका जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है, तो इस वजह से इनको ऐसे रत्न दिए गए हैं। अब इसके बाद जो है, ऐसे रत्न देने का मतलब रत्न की कैटेगरी में रखा गया है। गेन्स नो सर, प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, नाउ गेन्स एंड लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के फायदे और इसकी हानियाँ, निजीकरण से जो भी हमें लाभ मिला है और जो हानियाँ हैं वो सबको दिख रही है स्क्रीन। ऑब्वियस गेन एंड इम्परेटिव लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के स्पष्ट लाभ और इससे संबंधित हानियां। तो फर्स्ट पहले इसके लाभ देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट, निजीकरण में सामाजिक कल्याण, सामाजिक जो रुचियां हैं उसके अपेक्षा निजी हित पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, दे विल वर्क विथ 100% कमिटमेंट, 100% एफिशिएंसी, सो दैट दे कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, दे कैन गेट बेटर सर्वाइवल। अब निजीकरण में जो लोग अच्छा काम करेंगे वही आगे बढ़ पाएंगे। तो जो भी वर्कर्स हैं वो अपने ज़्यादा फायदे के लिए, ज़्यादा अपना प्रोग्रेस देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, पूरे जो अपनी क्षमता है उसका 100% उपयोग करेंगे, पूरी क्षमता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ कार्य करेंगे। जिससे कि वर्कर्स अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो बने नहीं रहेंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हाई प्रोडक्टिविटी इज ऑब्वियस रिजल्ट, इसका रिजल्ट आएगा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ जाएगी, कोई भी हो वो नहीं चाहेगा कि उसकी जॉब जाए। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स प्राइवेट इंटरप्राइज टू वर्क इन कंपटीटिव एनवायरनमेंट। पहले क्या था, गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, देयर वर वेरी फ्यू प्राइवेट इंडस्ट्रीज and foreign industries were banned, foreign there were many restrictions like quota and tariffs etc. So at that time industries did not have to compete with other companies. tab pehle kya tha, quota kahin pe laga tha, ye to pehle bahut sare jo pratibandh lage the, pratibandh ki wajah se
बाहर से दूसरे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, अपने देश में अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे थे, आयात निर्यात दोनों पर प्रतिबंध लगे थे, आयात अभ्यंस निर्यात अभ्यंस, और इसके साथ साथ टैरिफ वगैरह जो थे, उस वजह से यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं थे तो गवर्नमेंट कंपनीज को ज़्यादा कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ता था। नाउ व्हेन दे आर वर्किंग इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, नाउ दे विल हैव टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ दियर प्रोडक्ट्स, क्रिएट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड मॉडर्नाइज द प्रोडक्ट्स। अब उनको अपने उत्पादन की तकनीक को और अच्छा बनाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स को भी अच्छा करना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा, ताकि वो इस एनवायरमेंट में बने रह सके। तो इससे क्या होगा, दिस विल फोस्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल इंक्रीज, जो प्रक्रिया है वो जो वो तेज हो जाएगी और पेसिफाइड हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्राइवेटाइजेशन में प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन होता है, मीन्स मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, डिफरेंट इंडस्ट्री सीक्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस सम, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो चाहते हैं कुछ नया उत्पादन करें, सो दैट दे कैन गेट हाई प्रॉफिट, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, तो कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम में देखो, कोई भी मशीनरी है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसमें हमेशा कुछ नया मतलब चेंज करके लाते रहते हैं कंपनियां, ताकि जो लोग हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। सो नाउ वी कैन गेट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, अब विभिन्नता वाले प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, बहुत तरह तरह के उत्पाद देते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर नाउ कैन बी सीन एज ए वेरी लार्ज कंपनीज, दीज आर द रीजन ऑफ ओनली प्राइवेटाइजेशन। जो बड़े बड़े कंपनी आज हमको दिखती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कारपोरेशंस, ये सब किसकी वजह से हुई, निजीकरण की वजह से हुई। उनको जब मौका मिला कि अपना जहाँ पे भी चाहे ग्रोथ करें, जो भी चाहे प्रोड्यूस करें, तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया और तरह तरह के प्रोडक्ट्स लाए, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी आज ये कंपनियाँ हो गई। फोर्थ पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेंटी, उपभोक्ता सार्वभौमिकता। निजीकरण उपभोक्ता सार्वभौमिकता को बढ़ावा देता है, मींस प्राइवेट नाउ व्हाट एवर गुड इज कंज्यूम्ड आर डिमांडेड बाय पीपुल, मींस कंज्यूमर, ओनली दैट टाइप ऑफ गुड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। जिस तरह की वस्तु में लोग कंज्यूम करने चाहते हैं, उपभोक्ता जिस तरह की वस्तु खरीदना चाहते हैं, वैसी वस्तुओं को बनाकर देना पड़ेगा, उपभोक्ता जैसा चाहेंगे वैसा उत्पादक को करना पड़ेगा। तो देयर इज हायर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सॉवरेंटी। नाउ कंज्यूमर डिसाइड्स विच प्रोडक्ट विल बी इन द मार्केट एंड विच प्रोडक्ट विल नॉट बी इन द मार्केट। इफ द कंज्यूमर फाइंड्स द प्रोडक्ट इज गुड एंड इट इज अवेलेबल एट चीप रेट, ओनली ऑन दैट कंडीशन द प्रोडक्ट कैन रिमेन इन द मार्केट, कैन सर्वाइव इन द मार्केट। अगर उत्पाद जो है वो अच्छा है, सस्ती कीमत पर भी साथ में मिल रहा है, तभी कोई भी उत्पाद बाजार में बना रहेगा। अगर उसकी कीमत ज़्यादा है, साथ में क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर नहीं बना रहेगा, फिर वैसी कंपनीज को बंद होना पड़ेगा। अब इसके नुकसान क्या है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इज, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इज लेफ्ट ओवर टू सेल्फ इंटरेस्ट। जो सोशलिस्टिक पैटर्न था सोसाइटी का, समाजवाद की जो नींव थी, उसको छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया है। अब इसके बजाय क्या हुआ, निजी जो हित हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, ओनली इन थ्योरीज वी स्टडी दैट आवर कंट्री वांट टू अचीव
सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, हमारा जो देश है वो समाजवादी नीत पे चलना चाहता है। इस पे देख पढ़ते हैं कि हम लोग ये थ्योरी में पढ़ते हैं, केवल जो संविधान के सबसे पहले प्रीएम्बल में लिखा है बस वहीं तक रह गया है। नाउ प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस इन PSU, मेनी पीपल वर्क एंड द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट इज शेयर्ड बाय ऑल एम्प्लॉयज। जो भी बेनिफिट होता है वो सबको मिलता है। अब निजीकरण में क्या हुआ, जो रूट लेवल पे वर्कर्स हैं, जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको बिल्कुल सैलरी ना के बराबर मिलती है। दीज आर हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इफ दे वर्क दे विल गेट पेमेंट, अदरवाइज नो पेमेंट। अगर वो काम करेंगे तो उनको पेमेंट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जितने दिन काम करेंगे उतने दिन पेमेंट। ऐसा जो मतलब मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो छोटे छोटे फैक्ट्री में काम करते हैं या फील्ड में जाके मार्केट में जाके उनका प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनको बहुत कम फायदा मिलता है। बट दोज पर्सन हु आर मेकिंग पॉलिसीज, हु आर सिटिंग इन ऑफिसेस, दे जस्ट मेक न्यू पॉलिसी बट डिडंट फेस द एक्चुअल सिचुएशन इन द मार्केट। जो वास्तविक स्थिति है बाजार में जाके उन सब समस्याओं को फेस नहीं करना पड़ता। ऐसे लोगों का क्या है, ऐसे लोग जो हैं उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, सेकेंड प्राइवेटाइजेशन इंकरेजेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, मीन्स हेयर वट एवर इज डिमांडेड, वट एवर इज हाई इन द डिमांड इन मार्केट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। ऐसी वस्तुओं का केवल उत्पादन होगा जो बाजार में खरीदा जा रहा है, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाहे वो महंगी हो सस्ती हो, ठीक है। दे विल नॉट केयर फॉर द पुअर, द पीपल हु आर नॉट एबल टू पे, द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज पीपल विल नॉट बी सीन। जो भी लोग पैसा नहीं दे सकते, धन नहीं दे सकते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है खरीदने के लिए, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। किस पे ध्यान दिया जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, लाभ अधिकतम करने पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो व्हेन प्राइसेस राइज व्हिच इज द ऑब्वियस टेंडेंसी इन द सिस्टम ड्रिवन बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, जब कीमतें बढ़ेंगी, डिमांड ज़्यादा होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, तो इससे क्या होगा, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर डिप्रिवेशन, जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उन्हें वंचित रहना पड़ेगा, उन पर ही कष्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा। सिरसिल्ला ट्रेजडी एक इसका एग्जाम्पल है, कमजोर वर्गों पर निजीकरण का जो प्रभाव पड़ा। सिरसिल्ला इज ए प्लेस, इज ए टाउन इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है सिरसिल्ला, एंड मेनी पीपुल आर वर्किंग दे आर इन पावर लूम इंडस्ट्री, दिस इज फेमस फॉर पावर लूम इंडस्ट्री। मैनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज टू हायर द पीपुल, यूज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपुल ऑफ सिरसिल्ला टू प्रोड्यूस क्लॉथेस। बहुत से लोग जो हैं वहाँ के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठेके पे कपड़े वगैरह बनवाती हैं। जैसे ये MP में सब लोग तेंदू का पत्ता वाले होते नहीं हैं, ठेके पर बीड़ी वगैरह बनवाते हैं, तो वैसा ही काम वहाँ पे भी चल रहा है। सिरसिल्ला बहुत फेमस है कपड़े के लिए, तो पावर लूम इंडस्ट्री के लिए। पावर लूम इंडस्ट्री मतलब जो उसमें मशीन से एक हथकरघा होता है हाथ से बनाने वाले, हैंडलूम जिसको बोलते हैं, हाथ से बनाने वाला होता है, एक होता है पावर लूम जो बिजली से चलता है। तो पावर लूम इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग बहुत से थे वहाँ, उन लोगों वो टाउन जो है इसी के लिए फेमस था। अब क्या हुआ, निजीकरण जब हुआ बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन पावर सप्लाई, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई, द रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर वेरी हाई, जो कीमतें थी इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत बढ़ा दी गई जब पावर सप्लाई निजी क्षेत्र में आई। एंड नाउ व्हेन इंडस्ट्रीज मींस
Powerloom Industries has seen that their prices, the prices of their products is increasing due to high rate of electricity. They thought that they are not able to survive in the market. अब जब कीमतें बढ़ने लगी, बिजली की दरें बढ़ने लगी, तो Powerloom Industries के जो मालिक थे, means Powerloom Industry मतलब textile industry के जो मालिक थे, उनको लगा कि अब वो market में नहीं बने रह पाएंगे, क्योंकि उनके कपड़े अब महंगे पड़ने लगे हैं. तो they started cutting the wage of Powerloom workers. जो भी लोग Powerloom workers थे, जो weavers थे, उनकी वेज काटना शुरू कर दी, so that these industry may remain in the market, so that their products may be sold in cheap rates. उनके वस्त्र जो हैं, उनके कपड़े जो हैं, सस्ते बिक सके, इसलिए उन्होंने वर्कर की, Powerloom वर्कर जो हैं, चूल्हे जो हैं, उनकी सैलरी काटना शुरू कर दी, मजदूरी काटना शुरू कर दी है. Now, after the point below which they cannot survive, they cannot buy their daily requirements, the workers started to commit suicide. जब एक ऐसे लेवल पर सैलरी पहुंच गई जिसके नीचे वो लोग अपना सर्वाइव नहीं कर सकते थे, कुछ भी खरीद नहीं सकते थे, जरूरतों को नहीं पूरा कर पा सकते थे, तब वीवर्स ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया. तो लगभग 50 लोगों ने, अबाउट 50 वर्कर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन सिरसिल्ला, एंड दिस इज नोन एज सिरसिल्ला ट्रेजेडी. लगभग 50 वर्कर्स ने, श्रमिकों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, और इस घटना को सिरसिल्ला ट्रेजेडी बोलते हैं, क्योंकि सिरसिल्ला जो प्लेस है उसी के नाम पे, उसी जगह पे हुआ, तो उसी प्लेस के नाम पे बना दिया गया. अब नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, मीन्स विद द इकोनॉमी ऑफ ऑल अदर कंट्री ऑफ वर्ल्ड. भूमंडलीकरण का मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाए. कैसे जोड़ा जाएगा? बाय ट्रेड, बाय फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल्स, जो भी पूंजी है, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनके फ्री फ्लो के जरिए एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ जोड़ा जाएगा, शेष विश्व के साथ जोड़ा जाएगा. मीन्स विदाउट टैरिफ, जो टैरिफ जो है, टैरिफ पॉलिसी जो है, वो उसके टैक्स वगैरह कम करना पड़ेगा. तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो था 1991 में, इसमें कोशिश की गई, मतलब ये हमारा लक्ष्य बनाया गया कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को विश्व के अर्थव्यवस्था, भूमंडलीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ें. तो नाउ देयर इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वी कैन बाय एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, वी कैन हायर एनी टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स, वी कैन आल्सो सेल अवर सर्विसेज टू अदर कंट्रीज. अपने जो भी सेवाएं हैं हम दूसरे देशों को बेच सकते हैं, अगर नई तकनीक चाहिए वो भी खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं. अगर किसी क्षेत्र में हमें एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता है, वो भी पूरी हो जाती है. तो इस तरह से क्या हुआ कि हमें, हमारी जो अर्थव्यवस्था है दूसरे देशों से जुड़ गई. और इसमें सबसे ज़्यादा किस पर, कौन से सेक्टर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? इन द फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, वी वर यूजिंग ओल्ड एंड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी दैट वॉज नॉट वेरी गुड फॉर प्रोड्यूसिंग मॉडर्न प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसिंग चीप प्रोडक्ट्स और क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अत्याधुनिक वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए, सस्ते वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए, या अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो बहुत पुरानी थी. हमारे पास कैपिटल गुड्स, मॉडर्न कैपिटल गुड्स नहीं थे, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी नहीं थी, नए नए अत्याधुनिक मशीनरी वगैरह नहीं थी. तो मतलब इससे ऐसी आशा थी कि हम लोग जो दूसरे देशों से अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे और अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. ठीक है,
अब ये जो ग्लोबलाइजेशन का एक रिजल्ट है आउटसोर्सिंग, इट इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ ग्लोबलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि ये सूचना की जो तकनीक है, सूचना तकनीक में विकास होने की वजह से और साथ में भूमंडलीकरण दोनों के होने के कारण आउटसोर्सिंग का एक नया बिजनेस शुरू हुआ, BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह। ये क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा BPO सर्विसेज के बारे में। इसमें क्या करते हैं, मेनी लार्ज कंपनीज यूज टू हायर अदर कंपनीज फॉर दियर सच टाइप ऑफ वर्क विच आर डन फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम विच इज आउट ऑफ दियर रूटीन वर्क। ऐसे जो काम हैं बड़े बड़े कंपनियों के जो उनके रूटीन वर्क में नहीं आते हैं, जैसे कोई काम कंपनी का काम है प्रोडक्शन करना और सेल करना, और मार्केट से अगर हमें इंक्वायरी करना है, सर्वे कराना है, तो ये उसमें एक्सपर्ट नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे काम को दूसरे एक्सपर्ट लोगों पे दे देते हैं, एक्सपर्ट लोगों से वो वर्क कराते हैं, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, जो काम दूसरे कंपनी से दूसरे ग्रुप से कराया जाए। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का एक ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है। तो इसमें क्या होता है, इन इट वी हायर बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड कंट्री और आउटसाइड अवर ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को हायर करते हैं या अपने देश के बाहर के लोगों को हायर करते हैं अपने वर्क कराने के लिए। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर, KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्लिनिकल एडवाइसेस, टीचिंग कोचिंग, डेटा ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ये सब चीज़ें बहुत सारी तरह के वर्क होते हैं जो हम दूसरे लोगों से करवाते हैं, दूसरी कंपनियों से। इन प्रेजेंट टाइम वी कैन सी इंडिया इज प्रोवाइडिंग क्लिनिकल एडवाइस टू नियर बाय कंट्रीज, आसपास के जो देश हैं उनको क्लिनिकल एडवाइस दे रहा है ऑनलाइन। जैसे कहीं पे पाकिस्तान में कोई सर्जरी चल रही है तो उसका पूरा वीडियो चलता रहता है, दूसरी जगह पे इंडिया क्या करता है उसको बताता है, इंडिया के डॉक्टर बताते हैं क्या करना है कैसे करना है। टीचिंग वगैरह तो चल ही रही है। इसके बाद इंडिया इज इमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग बिकॉज ऑफ चीप रेट ऑफ लेबरर्स एंड आल्सो गुड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ्स। अपने देश में जो आउटसोर्सिंग है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आउटसोर्सिंग का एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे देश में एक तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रोथ कर रही है बहुत तेज़ी से, दूसरा चीप रेट पे लेबर अवेलेबल है, और तीसरी चीज़ है कि हमारे देश में जो इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है वो भी अवेलेबल है। तो इन सब की वजह से ये जो ग्लोबलाइजेशन में हमारा देश कुछ अच्छा कर रहा है, ये आउटसोर्सिंग के जरिए हमारे देश को काफ़ी बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड अदर पॉलिसीज, जो लिबरलाइजेशन या दूसरी पॉलिसीज अपने देश में अपनाई गई थी उन्हीं का ये रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में जो भी हमने रूल बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिड्यूस द टेरिफ रेट्स, वी हैव अलाउड फ्री ट्रेड, हमने फ्री ट्रेड को अलाउ किया लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के अंतर्गत आया। कोटा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हटाए, ये भी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत आया, तो उन्हीं के रिजल्ट से ग्लोबलाइजेशन जो है आगे बढ़ा। पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ, तो आप ये कौन कौन सी नीतियाँ हैं आगे वाले पेज में हैं। फर्स्ट इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश की इक्विटी की लिमिट बढ़ाई गई। विदेशी निवेश मतलब नाउ फॉरेन
इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट मोर मनी मोर कैपिटल इन अवर कंट्री, अपने देश में विदेशी यानी दूसरे देश के लोग ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा पूंजी का निवेश कर सकते हैं। बिफोर इट देयर वर मेनी रिस्ट्रिक्शंस, इसके पहले बहुत सारी बाधाएं थी, बहुत सारे प्रतिबंध थे। इन सम प्रोडक्ट्स सम इंडस्ट्रीज द इन्वेस्टमेंट कैन बी अप टू 100%, कुछ इंडस्ट्रीज में 100% तक निवेश किया जा सकता है। ठीक है, तो बिफोर इट वॉज ओनली 40%, इट वॉज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 51% to 100%, इन सम सेक्टर इट इज 74%, किसी में 74% है, किसी में 51% है, किसी में 100% है, सब में अलग अलग है, और एक साथ 100% नहीं की गई है, धीरे धीरे करके बढ़ाई गई है। ठीक है, इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द 100%, जो 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग हैं उनमें 100% विदेशी निवेश को दिया गया है, परमिशन दी गई है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रेड टेपिज मतलब लाल फीताशाही वगैरह। और एक्सपोर्ट हाउसेस हैव परमिटेड टू गेट 100% कैपिटल इन्वेस्टेड फ्रॉम फॉरेन, जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस हैं मतलब जो निर्यात हाउस है, निर्यात हाउसों को पूरी तरह से 100% विदेशी मुद्रा प्राप्त करने, विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए परमिशन दी गई है। क्या करेंगे, बस जितना वो खरीदते हैं सबको सब बेचना है, एक्सपोर्ट करना है। नाउ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हैज बीन इंपोर्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये शायद 1993 से शायद चल रहा है, एक सेकेंड अभी बता रहे हैं। अप्रैल 1979, ये तो पूरा दूसरा है कुछ। December 29 इसको, इसके बारे में भी देखना पड़ेगा बहुत। 1993 से शुरू हुआ है शायद, उसके बाद से धीरे धीरे जो फेमा है वो लागू हुआ। बिफोर इट देयर वॉज फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, पहले फेरा था अब इसको बना दिया गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मीन्स नाउ इट इज ओनली मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को केवल मैनेज करेगा, उसमें रेगुलेशन नहीं लगाएगा कि कितना परसेंट हम दूसरे से ले सकते हैं, ला सकते हैं, कितना कौन अपने पास रख सकता है, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता, मीन्स वी कैन कन्वर्ट इंडियन रुपी टू फॉरेन करेंसी, अपना जो भारतीय रुपया है उसको हम विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड, पूरी तरह से नहीं। कब कब कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ वी आर डूइंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात कर रहे हैं तब हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरे देश की मुद्रा पा सकते हैं, इंडियन रुपी को बेच करके रख सकते हैं। सेकेंड थिंग, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो निवेश किया है विदेशों से जो भी पूंजी उधार ली है उसका इंटरेस्ट देने के लिए, उसका डिविडेंड देने के लिए, लाभांश देने के लिए हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, रख सकते हैं। रिमिटेंसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, परिवार के जो एक्सपेंस हैं, जैसे कोई दूसरे देश में जाता है रहता है, कोई पढ़ने जाता है, कुछ भी करने जाता है, इफ दे नीड फैमिली एक्सपेंसेस देन वी कैन कन्वर्ट इंडियन रुपी इंटू फॉरेन रुपी, फॉरेन करेंसी, दूसरे देश की करेंसी में हम अपने देश की करेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस है उस पर हम भारतीय करेंसी को या दूसरे देश की करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं।
लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इसके पहले जो पॉलिसी थी बार बार बदली जाती थी, नाउ दिस पॉलिसी इज ए लॉन्ग टर्म, मीन्स मिनिमम इट विल रन फॉर 5 ईयर, लगभग 5 साल के लिए तो ये चलेगी ही। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल वर्क फॉर अ मिनिमम 5 ईयर एंड अंडर दिस पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैव बीन रिमूव्ड, जो भी इसके विदेशी व्यापार पे प्रतिबंध लगे थे उन सबको हमने खत्म कर दिया। इसके बारे में प्राइवेटाइजेशन में भी पढ़े थे, प्राइवेटाइजेशन नहीं किसमें था, लिबरलाइजेशन में पढ़े थे, कोटा रिस्ट्रिक्शंस टैरिफ ये सारी चीज़ें हटा दी गई। नाउ सम स्पेसिफिक गुड्स बैरिंग सम स्पेसिफिक गुड्स ऑल अदर गुड्स आर ट्रेडेड फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़ के लाइक हजार्डस केमिकल्स लिकर दीज टाइप्स आर गुड। इफ वी लीव दीज टाइप्स ऑफ गुड्स आर ऑल अदर गुड्स आर ट्रेडेड फ्रीली, जितनी भी बाकी वस्तुएं हैं जो हानिकारक वस्तुएं उनको छोड़ कर, हानिकारक केमिकल हो गए, रसायन हो गए, शराब हो गई, मदिरा, इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में से हमने हर तरह के रिस्ट्रिक्शंस हर तरह की बाधाएं हटा दी हैं। अब रिडक्शन इन टैरिफ्स, टैरिफ्स में जो रिडक्शन है, टैरिफ मतलब टैक्सेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट पर जो टैक्स है, इंपोर्ट पर जो टैक्स है वो, तो टू इंकरेज कम्पिटिटिवनेस ऑल टैरिफ बैरियर्स हैव बीन रिमूव्ड, जो भी आयात कर निर्यात कर संबंधी जो भी हमने बाधाएं लगाई थी वो सब चीज़ें हमने हटा ली, ताकि जो अपने देश में प्रतिस्पर्धा का एक माहौल बन सके, सो दैट डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दियर गुड्स, घरेलू क्षेत्र के उद्योग अपने वस्तुओं की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, उनको बढ़ाएं, उनको और अच्छा करें। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस मीन्स विड्रॉल ऑफ कोटाल, कोटा जितने भी थे, मैक्सिमम लिमिट जो थी फिक्स की थी, मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट्स हैव बीन रिमूव्ड, जो भी अधिकतम मात्रा निश्चित की गई थी कितना आयात करें कितना निर्यात किए गए वो सारी चीज़ें हटा दी गई, मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए गए। सिंस 2001 द क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल इम्पोर्ट आइटम्स हैव बीन टोटली विड्रॉन, 2001 से जितने भी तरह के आयात थे सबसे हमने मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया। तो इससे ये कब हुआ, जब WTO की जो पॉलिसीज थी वो हमें लागू करनी थी, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑल क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड, जितने भी मात्रात्मक प्रतिबंध थे वे सारे के सारे हटा लिए गए हैं। अब किसी को कुछ समस्या है तो वो बताए भी। कोई समस्या नहीं है किसी को? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO वाज एस्टेब्लिश ऑन 1st जनवरी 1995, बिफोर दिस अनदर ऑर्गेनाइजेशन वाज देयर दैट वाज GATT, इसके पहले WTA के पहले दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बोलते थे GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है टैरिफ और ट्रेड पर, टैरिफ और ट्रेड पर सामान्य समझौता, टैरिफ का मतलब यही जो टैक्स लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य समझौता। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था दिस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन January 1, 1948, जो GATT था वो 1 जनवरी 1948 को एस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ। अब उस पे क्या था, सम देयर वर सम
objectives which were hindering the further process of globalization. कुछ ऐसे वहाँ पे उद्देश्य थे जो आगे जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है उस पर बाधा बन रहे थे. मीन्स सम ऑब्जेक्टिव्स वर डिफरेंट. कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स थे अलग थे. पहली चीज तो ये एक मतलब कोई संगठन नहीं है कि एग्रीमेंट टाइप का था. सो नो वन मेक एनी फर्दर चेंज. कोई आगे का चेंज नहीं कर सकता था. तो इन प्लेस ऑफ गेट WTO was established in 1995 में GATT की जगह ये WTO आ गया. ये जो GATT था, GATT का उद्देश्य था मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिकतम प्रयोग करना था GATT का उद्देश्य. लेकिन WTO का उद्देश्य है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका अनुकूलतम प्रयोग करना. अधिकतम नहीं, अनुकूलतम. क्योंकि अब जब से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट आया है तब से वो कॉन्सेप्ट हट गया. सो मीट अवर न्यू ऑब्जेक्टिव्स, न्यू गोल्स, वी हैव फाउंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन. एक नया संगठन हमने बना लिया नए तरह के लक्ष्य अपने पूरे करने के लिए. तो अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पज ऑफ WTO इज टू इंक्रीज फ्री ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, टू रिड्यूस टेरिफ बैरियर्स. जो मुख्य उद्देश्य है WTO का वह है कि जितने भी सदस्य हैं सबके बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता किया जाए. मतलब सारा जितने भी व्यापार संबंधी बैरियर है, प्रतिबंध है, उन सबको हटाया जाए. चाहे टेरिफ बैरियर हो चाहे नॉन टेरिफ बैरियर हो, सबको हटाना है. इसके साथ में इट आल्सो प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट. जो भी हम द्विपक्षीय या एक कई पक्षियों का समझौता होता है, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौता होता है, उनके लिए भी ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है. अब WTO का इंडियन इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, मतलब क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं? प्रभाव का मतलब एक्सपेक्टेशन, विच थिंग्स वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम WTO. WTO से जो चीज़ें हमें आश्वान्वित हैं, जिनकी हम आशा कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा WTO में जुड़ने की वजह से. तो फर्स्ट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट WTO विल ऑफर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू द इंडियन इकोनॉमी. भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ी संभावनाएं मिलेंगी. मतलब ज़्यादा संभावनाएं मिलेंगी. मीन्स नाउ वी कैन सेल टू ऑल मेंबर्स ऑफ WTO विदाउट एनी टेरिफ रेस्ट्रिक्शंस. बिना किसी टेरिफ बाधाओं के हम जितने भी WTO के मेंबर हैं सबको हम बेच सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. वी कैन एक्सपोर्ट एनी वेयर. देन आवर शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड विल आल्सो इंक्रीज. हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंश है वो भी बढ़ेगा. सेकेंड, अंडर मल्टी फाइबर अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए. ये गलत लिखा है. अंडर मल्टीफाइबर एग्रीमेंट. मल्टीफाइबर एग्रीमेंट मीन्स कई तरह के जो रेशे होते हैं, मीन्स जो क्लॉथ से रिलेटेड जो फाइबर है उनके बारे में बात करी जा रही है. तो जो भी मल्टीफाइबर हैं अंडर मल्टीफाइबर एग्रीमेंट, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी आवर टेक्सटाइल विल गेट बेटर मार्केट बिकॉज we are producing cheap and cheap means we are producing the textile at low cost and our quality of product is good. हमारा जो quality है product का वो अच्छा है, लेकिन उसकी जो cost है, लागत है, वो कम है. so we are expecting to get a better market, a large share in international market. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें एक बड़ा
जो शेयर बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना है, क्योंकि हम सस्ता प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और क्वालिटी उसकी अच्छी है। सो आवर एक्सपोर्ट विल लाइकली इंक्रीज। हमारा जो गारमेंट एक्सपोर्ट है, कपड़ों का जो व्यापार है वो बढ़ेगा, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द कंट्रीज ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, विशेषकर यूरोप और अमेरिका के देशों में जहाँ पे ये टेक्सटाइल काफ़ी महंगा पड़ता है। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू अग्रीड रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स एंड रिडक्शन इन सब्सिडीज टू द एग्रीकल्चर गुड्स। अब यहाँ पे एक समझौता हुआ है, जिस पहला तो ट्रेड बैरियर्स हटाना है, दूसरा है जो भी सब्सिडी है वो हटाना है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। सो मेनी रिच कंट्रीज, मेनी डेवलप्ड कंट्रीज विच वर अर्लियर गिविंग सब्सिडीज टू दियर फार्मर्स, नाउ दैट विल बी रिमूव्ड। जो भी सब्सिडी दी जा रही थी किसानों को बड़े बड़े देशों में, बड़े देशों का मतलब जो विकसित देश हैं, वे अपने लोगों को, किसानों को जो सब्सिडी दे रहे थे, कृषि की सब्सिडी दे रहे थे, तो वो सब हट जाएंगी। सो प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ अवर कंट्री विल बी लेस देन द इंटरनेशनल मार्केट। सो अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल लाइकली टू बी सोल्ड मोर, मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ अवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विल राइज। हमारे देश का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सस्ता पड़ने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता होने के कारण उसकी मांग बढ़ने की संभावना है, यानी अब हम ज़्यादा निर्यात कर सकेंगे अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसमें मतलब WTO में मिलनी थी, या हमें आशा थी कि हमें ये सब फायदे मिलेंगे WTO से, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, WTO में प्रॉब्लम नहीं, अभी एक ये बल्क सेल जो है, डंपिंग जिसको बोलते हैं, प्रॉब्लम के बारे में बाद में बात करेंगे। तो बल्क सेल ऑफ गुड्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज एट कम्पिटिटिव रेट्स, जिसको बोलते हैं डंपिंग। जो डंपिंग में क्या होता है, जो विकसित देश हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में अपने माल को डंप करते हैं। डंप मतलब पाटना, हिंदी में इसको बोलते हैं पाटना। तो ये जो पाटना वाला कार्य है वो कम होगा, क्योंकि अब इसके रिलेटेड कुछ जो मतलब उसमें कुछ मतलब उसमें ऐसे बाधाएं बनाई जाएंगी जिससे कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं गरीब देशों को एक्सप्लाइट ना कर पाए डंपिंग के जरिए। ये लोग क्या करते हैं, डंपिंग में पहले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपना प्रोडक्ट्स जो हैं पूरे मार्केट में बहुत सस्ते दर पे बेच देती हैं। लार्ज कंपनीज यूज टू सेल दियर प्रोडक्ट्स इन वेरी लो प्राइसेस इन द मार्केट, एंड व्हेन ऑल अदर कंपनीज, ऑल अदर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू रिड्यूस दियर प्राइसेस, देवर आर नॉट एबल टू सफर लॉसेस, दे विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग, दे विल शट डाउन दियर इंडस्ट्रीज, एट दैट टाइम देयर विल बी ओनली वन इंडस्ट्री। जब पहले क्या होगा, ये सब अपना सस्ते दर पे सामान बेचेंगे, जो भी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो उस सस्ते दर पे बेच नहीं पाएंगी, तो उन्हें अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग सफर नहीं कर सकते हैं ज़्यादा लॉस को। बट दीज आर वेरी बिग इंडस्ट्रीज, दे कैन सफर, दे कैन सेल एनी गुड एट वेरी चीप रेट्स इन एनी इकोनॉमी बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन मेनी कंट्रीज। ये लोग बहुत देशों में काम कर रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो किसी एक देश में उनका लॉस हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे देशों से वो इनकम प्राप्त कर लेते हैं। तो वो लोग पहले सोचेंगे कि बाकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको कंपटीशन से हटा दिया जाए, मार्केट को पूरा डंप कर दिया जाए, एंड आफ्टर दैट व्हेन देयर इज नो एनी अदर कंपटीटर दे विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब उससे क्या होगा, फिर अकेले रह जाएंगे मार्केट्स में, देयर विल बी ओनली वन सेलर, देयर देयर विल बी वन
firm in the market and they can control the market like a monopolist, जो एक monopolist होता है, monopoly market में control करता है, बिल्कुल उसी तरह से वो लोग control करेंगे एक अधिकार, जैसे Jio वाला SIM था, first they gave their SIM free of cost without any money, all data was free, costs were free, but now they are charging some prices if anyone calls from any other network other than Jio, जो Jio वाला network को छोड़ के अगर किसी दूसरे पे call करता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो कीमत उसके पैसा वसूल करते हैं, तो इस तरह का काम करते हैं ये लोग dumping वाले, पहले तो अपना बाहर जितने भी competitive हैं उनको हटा देते हैं। तो अब इसके डंपिंग के बाद अब दूसरी एक जो प्रॉब्लम है वो क्या है, इन WTO इट इज सेड दैट देयर विल बी फ्री ट्रेड ऑफ कैपिटल फ्री बट नॉट लेबर, दे सेड द एग्रीमेंट ऑफ फ्री ट्रेड इज ओनली फॉर कैपिटल गुड्स, उनका कहना है कि जो भी पूंजीगत वस्तुएं हैं उन पर फ्री ट्रेड वाला मतलब मुक्त व्यापार वाला नियम लागू हो रहा है, जबकि श्रम बाजार श्रमिक वाला जो बाजार है उस पर लागू नहीं हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर सेइंग दैट द मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली मींस द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो कैपिटल के लिए फेवर कर रहे हैं बिकॉज दे आर मोस्टली कैपिटल प्रोड्यूसिंग कंपनीज सॉरी कैपिटल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, वे ज़्यादातर पूंजी उत्पादन करने वाले देश हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि कैपिटल एक देश से दूसरे देश में बिना किसी टैक्स के बिना किसी टैरिफ के जाए, बट लेबर इन दीज कंट्री प्राइसेस ऑफ लेबर रेट्स ऑफ लेबर इन दीज कंट्री इज वेरी हाई, जो कीमतें लेबर की हैं श्रमिक मार्केट की हैं वो बहुत ज़्यादा है उन देशों में, सो दे डू नॉट वॉन्ट डैट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज शुड कम टू दियर ओन कंट्री, वे नहीं चाहते हैं कि विकासशील देशों के लोग वहाँ से निकल के उनके देशों में जाके जॉब करें। इन डेवलपिंग कंट्रीज प्राइसेस ऑफ लेबर रेट ऑफ लेबर इज वेरी लेस, सो पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज वांट टू गो टू डेवलप कंट्री टू वर्क टू गेट मोर मनी टू गेट मोर बेनिफिट ऑफ देयर लेबर, अपने वर्क का ज़्यादा अच्छा फ़ायदा लेने के लिए ज़्यादा वेज ज़्यादा मजदूरी लेने के लिए गरीब देशों के लोग अमीर देशों में जाना चाहते हैं, सो दे आर रेडी टू वर्क एट चीप रेट इन दीज नेशंस, उन देशों में सस्ते दर पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट अवेलेबल फॉर दियर ओन रेजिडेंट्स ओन सिटीजन्स, उनके जो खुद के सिटीजन्स हैं उनके लिए जॉब की कमी हो जा रही है, तो इसलिए वो लोग लेबर मार्केट पे कह रहे हैं कि ये नहीं अप्लाई हो रहा है, तो इसका डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद चल रहा है। अगर ये अप्लाई होता है लेबर मार्केट पे भी तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज का फ़ायदा होगा, ठीक है, अभी जैसे वीज़ा के बारे में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक देश से दूसरे देश में कोई जाता है वर्क करने के लिए जाता है तो उसको ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता है, ज़्यादा टैक्स लगते हैं वीज़ा से रिलेटेड, तो ये चीज़ें चाहते हैं डेवलपिंग कंट्री की ख़त्म हो जाएं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री कहते हैं कि ये ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बातें हैं वो उस पर लागू नहीं हो रही हैं। अब इसके बाद